ड्रेनेज जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो ड्रेनेज में जो सबसे पहली चीज हमको समझनी है वो क्या है कि एक रिवर सिस्टम क्या होता है। तो हमने कहा एक रिवर सिस्टम क्या होता है, एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके जो एक सिस्टम क्रिएट करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज रिवर सिस्टम। ड्रेनेज क्या होता है, किसी भी एक एरिया का रिवर सिस्टम, किसी भी एक एरिया का रिवर सिस्टम क्या होता है, वहां का ड्रेनेज होता है। ठीक है, फिर ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, एरिया ड्रेन बाय सिंगल रिवर सिस्टम, मतलब इंडस कौन कौन से स्टेट्स को पानी दे रही है, ब्रह्मपुत्र कौन कौन से रीजन को पानी दे रही है, वो क्या हो जाएगा, उसका ड्रेनेज बेसिन हो जाएगा। नेक्स्ट, वाटर डिवाइड क्या होता है, देखो ये छोटे छोटे वन मार्कर्स क्वेश्चन जो रहता है ना एग्जाम में बहुत बार आते हैं, क्योंकि 5 वाला भी कितनी बार आएगा, 2+2+1 के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि रिवर डिवाइड एक एलिवेटेड एरिया होता है या एक लैंड का फीचर होता है, जैसे कि माउंटेन या अपलैंड या प्लेटू, जो दो ड्रेनेज बेसिन को क्या करता है, सेपरेट करता है। जैसे जो अम्बाला है वो वाटर डिवाइड है किसके बीच में, इंडस और गंगा के बीच में। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, जिस तरीके से रिवर्स फ्लो करती है ड्रेनेज बेसिन में, डिपेंडिंग की वहां पर लैंड की स्लोप क्या है, वहां पे रॉक का स्ट्रक्चर क्या है और वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। ठीक है, वो जो रिवर का पैटर्न रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ठीक है, अब ड्रेनेज बेसिन के हिसाब से दो तरह की रिवर्स होती है, एक होती है पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स वो होती है जिनके पास साल भर पानी होता है, ऑल द ईयर। कहाँ से आता है पानी, रेनफॉल से भी आता है और मेल्टिंग ऑफ स्नो से भी आता है। और दूसरी होती है सीजनल रिवर्स, जिनके पास कुछ महीने पानी होगा, कौन से महीने पानी होगा, जब रेनफॉल होगी, और जब रेनफॉल नहीं होगी तो उन रिवर्स में वाटर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो पेरिनियल रिवर्स हमारे यहाँ कौन सी होती है, गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र। सीजनल रिवर्स हमारे यहाँ कौन सी, कृष्णा कावेरी महानदी और गोदावरी। अब इन दोनों रिवर्स के हिसाब से हमारे पास दो तरह के ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं, एक हिमालयन रिवर्स और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। मानसरोवर लेक में से कौन कौन सी रिवर्स आती है, तो हमने कहा इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र। गंगा के हेडवाटर्स कहाँ पर हैं, तो हम लोगों ने बोला गंगा के जो हेडवाटर्स हैं उनका नाम है भागीरथी और अलकनंदा, और वो दोनों मिलते कहाँ है, देवप्रयाग इन उत्तराखंड। ठीक है, गंगा रिवर माउंटेन्स छोड़ के प्लेन्स पर कब आती है, हरिद्वार में आती है। तिब्बत में कौन सी ऐसी रिवर है जिसका नाम सैंगपो है, तो हमने कहा क्या, ब्रह्मपुत्र। सोर्स और माउथ ऑफ रिवर क्या होता है, जहां से वो निकलती है रिवर, जहां से वो ओरिजिनेट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स, और जहां वो सी से मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका माउथ। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है, तो हम बोलेंगे नर्मदा, तापी तापी, साबरमती, माही, पेरियार और भरतपुजा। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है हमारे यहाँ, तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये चारों क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इनके अलावा दामोदर, ब्रह्मणी, सुबर्णरेखा और बैतारणी। रिफ्ट वैली से कौन फ्लो होती है, नर्मदा और तापी। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज मैच द फॉलोइंग, इसके हिसाब से क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है वो कौन सी है, गोदावरी, और हिमालयन रिवर कौन सी है, गंगा। यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ये पैरेलल टू गंगा फ्लो करती है, और गंगा से कहाँ मिलती है, अलाहाबाद में। ठीक है, और बहुत सारी छोटी छोटी पेनिनसुलर रिवर्स यमुना को ज्वाइन करती है, जैसे कि चंबल, बेटवा और सिंध। इंडस वाटर टीवी ट्रीटी, छोटा सा पैराग्राफ है, ये ट्रीटी है किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कब साइन हुई, 1960 में। और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इंडिया इंडस रिवर का कितना पानी यूज करेगी, 20% यूज करेगी। और ये पानी कहाँ यूज होता है, तो पंजाब, हरियाणा और सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में इरिगेशन के लिए यूज होता है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी रिवर्स बनाती है, तो हमने कहा दो रिवर्स के नाम याद रखने, कौन सी, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा या फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। ठीक है, इसको सुंदरबंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह की ट्रीज मिलते हैं जिनको क्या बोलते हैं, सुंदरी ट्रीज। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा टाइगर मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट, अब हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरिनियल होती है, हिमालय से ओरिजिनेट होती है, बहुत लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ये अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स कैरी करती है,
और जब ये आती हैं तो बहुत सारी इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज करती है। इरोजनल मतलब बहुत जगह का सॉइल क्या करती है, उठाती है अपने साथ और उसको दूसरी जगह पे क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है। जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर्स कहाँ से निकलती है, पेनिनसुला से निकलती है, सीजनल रहती है। सीजनल मतलब इनमें साल भर पानी नहीं रहेगा, इनके कोर्सेज इनका रास्ता क्या होता है, छोटा होता है और ये अपने साथ लेस सेडिमेंट्स कैरी करती है और इनकी ना ही बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटीज होती है और ना ही बहुत ज्यादा डिपोजिशनल एक्टिविटीज होती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है बेटा, वो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जो रिवर से अलग हो जाते हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जो मेन रिवर को ज्वाइन करती है। समझ में आ रहा है, रिवर से जो निकली छोटी छोटी रिवर्स उनको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे और जो रिवर्स रिवर में ज्वाइन हुई मेन रिवर में उन्हें क्या कहेंगे, ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। ट्रिब्यूटरीज कहाँ बनती है, लोअर कोर्स ऑफ द रिवर बनती है, मतलब जब रिवर नीचे की तरफ होती है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती है मिडिल कोर्स में, छोटे छोटे रिवर क्या कर रही है, मेरी मेन रिवर को ज्वाइन कर रही है। डिस्ट्रीब्यूटरी से रिवर का वॉल्यूम या पानी क्या हो जाता है, कम। ट्रिब्यूटरी से क्या होगा, रिवर का पानी बढ़ जाएगा। हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। डेल्टा कब होता बनता है, डेल्टा तब बनता है जब रिवर क्या होने वाला है, सी में एंटर करने वाली होती है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी से। ये एक मेन रिवर है, ये तीन पार्ट में टूटी और ये तीनों पार्ट कहाँ जाएंगे, सी या ओशन में चला जाएंगे। ईश्वरी कब बनती है, जब रिवर किसी पार्ट में टूटेगी नहीं, पूरी की पूरी रिवर कहाँ चली जाएगी, सी में चली जाएगी। डेल्टा जनरली ट्रायंगुलर शेप का होता है, मानो अगर एक रिवर भी दो पार्ट में टूट रही है तो इस तरह का डेल्टा बन जाएगा, ठीक है ना। और जो ईश्वरी होती है वो फनल शेप की होती है, यूं ऐसे पतली होकर फिर सी मोटा हो जाता है, मतलब मोटी रिवर फिर पतली सी ईश्वरी और फिर बड़ा सी, इसलिए उसका शेप कैसा होता है, फनल जैसा होता है। डेल्टा रीजन बहुत फर्टाइल होता है क्योंकि रिवर दो पार्ट में टूट रही है तो जितने भी सेडिमेंट से वहां पर क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। ईश्वरी फर्टाइल नहीं होती लेकिन यहाँ पर लार्ज वैरायटी ऑफ फिशेस मिलती है आपको, ठीक है ना। तो डेल्टा में आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हो, ईश्वरी में आप लोग क्या करते हो, फिशिंग एक्टिविटीज करते हो। कौन कौन से रिवर्स डेल्टा फॉर्म करती है, तो हमने कहा गंगा, इंडस, गोदावरी, महानदी डेल्टा फॉर्म करती है, और नर्मदा और तापी क्या फॉर्म करती है, ईश्वरी। फिर है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहाँ गिरेगी, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहाँ गिरेगी, अरेबियन सी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वेस्टर्न घाट्स के आसपास से आती है और ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो ईस्ट से आती है। देखो ईस्ट फ्लोइंग कहाँ जाए निकलेगी, वेस्ट से, और वेस्ट फ्लोइंग कहाँ से निकलेगी, ईस्ट से, है ना। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जनरली लंबी होती है और ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जनरली छोटी होती है और कम सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। एग्जाम्पल क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी और यहाँ पर नर्मदा और तापी। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो हमने कहा ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक से। आ रही है बात समझ में, इसके अंदर पानी बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ ये जहां से निकलती है और जहां पर चलती है वो बहुत कोल्ड और ड्राई एरिया है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती। पर ये रिवर जब इंडिया आती है ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पर इसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है, जिस वजह से इसका पानी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए टिबेटन पार्ट में क्या है, बहुत लंबा कोर्स है लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा सिल्ट नहीं होता। गोदावरी को दक्षिण गंगा क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये हमारे जो पेनिनसुलर रिवर्स है इसमें सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब सबसे बड़ी रिवर और सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन किसका है, इसका ही है। और दोनों की इंपॉर्टेंस जो है वो उतनी ही रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है जितनी गंगा है, उतनी ही गोदावरी भी इंपॉर्टेंट है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंडस सिस्टम का ये तुमको टेबल एज इट इज तुम्हारी बुकलेट में भी देकर रखा हुआ है पूरा पूरा, कि मानसरोवर लेक से निकलती है, लेंथ याद रखना 2900 किलोमीटर, इसकी ट्रिब्यूटरीज जम्मू एंड कश्मीर है, हुनु शोजा है, हुंजा, नुब्रा, शोक और जास्कर, और सतलज, ब्यास, चेनाब और झेलम जो है ये है, और ये कैसे फ्लो करती है इनका पूरा कोर्स भी देखे रखा है। सिमिलरली गंगा जो है इसके हेडवाटर्स का नाम क्या है, भागीरथी, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, अलकनंदा से कहाँ मिलती है, देवप्रयाग इन उत्तराखंड। लेंथ कितनी है इसकी 2500 किलोमीटर, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी घाघरा गंडक कोसी, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी यमुना, सोन, सिंध, चंबल, बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। फिर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक,
लेंथ कितनी, 2500 किलो, 2900 किलोमीटर्स, और इसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है, दिबांग, लोहित और कैन्यूला। अब आ जाओ कहे पे, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे, कौन सी, नर्मदा बेसिन। नर्मदा जो है अमरकंटक हिल से निकलती है, ईस्टचुरी बनती है और कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में। सारी ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी होती है, इम्पोर्टेंट है ये रिफ्ट वैली फॉर्म करती है, चाहे नर्मदा हो चाहे तापी तापी हो, दोनों क्या फॉर्म करती है, रिफ्ट वैली। और ये कौन से स्टेट्स को ड्रेन करती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। तापी जो है ये सतपुरा रेंज से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है ये, ठीक है ना। ये ईस्टचुरी बनाती है, ये भी नर्मदा से छोटी होती है, और ये भी रिफ्ट वैली बनाती है। और जैसे नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात में थी, यहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात और साथ में क्या याद रखना है, महाराष्ट्र। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। महानदी छत्तीसगढ़ में निकलती है, 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है ना। डेल्टा बनाती है, देखो जितनी भी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है सब क्या बना रही है, डेल्टा। जितनी भी अरेबियन सी में गिर रही है सब क्या बना रही है, ईस्टचुरी। जो अरेबियन सी में गिर रही है वो रिफ्ट वैली भी फॉर्म कर रही है। गोदावरी की लेंथ सबसे ज्यादा है 1500, है ना। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, वेन गंगा, पेन गंगा, पूर्णा और वर्धा, ठीक है ना। और ये इसका ड्रेनेज बेसिन सबसे लार्जेस्ट है। स्टेट्स याद रखना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कृष्णा की लेंथ कितनी है, 1400। कहाँ राइज होती है, स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, है ना। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी और कोयना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये स्टेट्स याद रखने हैं। फिर कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट, 780 किलोमीटर, 760 किलोमीटर इसकी लेंथ है। भवानी, काबिनी, अमरावती, हेमावती इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये स्टेट्स याद रखने हैं, ठीक है। अब आ जाओ काय पे, लेक्स पे। लेक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑक्सबो लेव कब होता है, मियांडरिंग रिवर। मियांडरिंग मतलब जो रिवर ऐसे 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 स्नेक जैसे चलती है, वो फ्लड प्लेन में अलग अलग लैंड को क्या करती है, कट कर देती है। लगून्स कब बनते हैं, कोस्टल एरियाज में बनते हैं, ओशियंस के स्प्लिटिंग और डिपोजिशनल वर्क पे। हमारे यहाँ लार्जेस्ट लगून कौन सा है, चिलिका लेक है, और पुलिकत लेक और कोलेरू लेक। सीजनल लेक्स कौन से होते हैं, ये इनलैंड लेक्स रहते हैं, जो कभी कभी आर्टिफिशियल लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सांभर लेक जो है राजस्थान में, वो एक सॉल्ट वाटर लेक है, पूरा डिपेंडेंट है कहाँ पे, रेनफॉल में। लेक्स के नाम याद रख लेना, कौन सा ग्लेशियर लेक है, कौन सा सॉल्ट वाटर लेक है, कौन सा वो है हमारा सॉल्ट वाटर लेक है। ग्लेशियर लेक जो रहते हैं हिमालयन रीजन में मिलते हैं, ये ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से बनते हैं, जैसे वोलार लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वोलार लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। फिर आर्टिफिशियल लेक हम लोग बनाते हैं किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जैसे गुरु गोविंद सागर पे हम भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है। लेक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये रिवर्स का फ्लो रेगुलेट करते हैं, हैवी रेनफॉल के टाइम पे, ड्राई सीजन में हमको पानी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर रेनफॉल ज्यादा हो रही है, आपकी रिवर फ्लड हो रही है, तो आप क्या करोगे, ये सारा पानी कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, लेक में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है, टूरिज्म प्रमोट करने के काम आता है लेक, उस जगह का क्लाइमेट मॉडरेट करता है, मतलब गर्मी होगी तो गर्मी को कम कर देगा, ठंडी है तो ठंडी को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। और लेक से बहुत सारी रिवर्स क्या होती है, जैसे मानसरोवर लेक है, तो उनमें से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, तो ये किसकी इंपॉर्टेंस थी, लेक्स की। अब आ जाओ कहे पे, रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब भी कोई देश में, मतलब कभी भी आपको अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को सेटल करना है, तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर बहुत जरूरी होता है और पानी बहुत जरूरी होता है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है, सब रिवर्स के आसपास ही क्या हुई है, डेवलप हुई है। सेकेंड है, ये बेसिक नेचुरल रिसोर्स होती है, ठीक है, और ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने के काम आती है, जिससे क्या होता है, सॉइल फर्टाइल होता है, और इरिगेशन, नेविगेशन, पावर जनरेशन के काम आती है। अब रिवर पोल्यूशन तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, कि इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट होता है वो रिवर में छोड़ते हैं हम लोग। अर्बनाइजेशन में जो रेसिडेंशियल एरियाज रहते हैं उनमें पानी का कंजम्पशन भी जाता होगा, और वेस्ट वाटर जो रहता है वो डायरेक्टली हम लोग बिना ट्रीटमेंट के डंप करते, तो उससे भी रिवर्स क्या होती है, पोल्यूट हो जाती है। और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी जब हम लोग रिवर का पानी यूज करते हैं, तो रिवर क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो हमको क्या करना है, रिवर को पोल्यूट कम करना है, क्योंकि रिवर्स क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट
ठीक है, विद दिस दिस चैप्टर इज ऑल्सो ओवर।